आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं एनआर टाइम्स। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने पुलवामा हमले पर ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया ने उनके उस इंकशाफात को ठंडे संजीदगी से नहीं लिया, ठंडे दिमाग से नहीं लिया और उसे कहीं गायब कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी उस खबर को, जो कुछ उन्होंने कहा था, उसे वायरल किया। उसके बाद पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। अब उन्हीं सत्यपाल मलिक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर निशाना साधा है। बहुत तीखे उन्होंने हमले किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और आपको वीडियो कैसा लगा, उनकी कई बातें कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल एलआर टाइम्स। इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं। एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जब ये अभी मैं बोला था, 4-6 दिन पहले बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर। मैंने ये बताया था जो सच था, उसी वक्त बताया था जब मैं ये था गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान, वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज़ दे देते, 5 हवाई जहाज़। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज़ दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज़ नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिए में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है, उस पर एक जिप्सी नहीं खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है। तो इन्होंने बाहर आके मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया और पूछा कि सत्यपाल भाई क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है और ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, अगर हम जहाज़ दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, अभी इस पर चुप रहो, इस पर अभी चुप रहो। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसका नाम आपने सुना होगा, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो रहा, कानून की क्लास में हम साथ पढ़ते थे, उसका मुझे फ़ोन आया फौरन कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं आप बोलें नहीं कुछ। चूँकि मैं बोल दिया था, मैं 2-3 चैनल को ये बता सक चुका था कि हमारी गलती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर तुम चुप रहो। मैं समझ गया था कि अब इसका ये पूरा राजनीतिकरण अपने चुनाव के लिए करेंगे, जो मर गए वो भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज तक उस पूरे मामले की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ख़तरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियाँ भी। तो मैं
आपसे, और मैं आऊंगा इलेक्शन में भी आऊंगा, जो भी आपका आदमी लड़ेगा उसके लिए। मैं तो, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं घूम रहा हूं, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूं, सब जगह जा रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं, और मुझे ये कामयाबी मिली है कि सब इसके लिए राज़ी हो गए हैं कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और अगर ये हो गया तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये बचेंगे नहीं, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। सब सहमत हो गए हैं, सारी पार्टियां सहमत हो गई। मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मौके रोज़ नहीं मिलते हैं, ये मौका अभी फिर तो 5 साल को बाद जाएगी, और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज़ भी नहीं कर सकते हो। 5 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैं काफ़ी आपका समय लिया, अभी मैं इतना ही हाँ, असली चीज़ तो मैं बोल ही नहीं रहा था, वो थी यहाँ के शहीदों की कुर्बानी। आपके जो 5 लोग शहीद हुए थे वो अंग्रेज़ों की बंदूकों के सामने खड़े हो गए थे, जब उनकी औलाद हो तो इससे क्या डरने की ज़रूरत है, ये तो कोई